बताएं सर क्या कुछ आया रेडार पर स्टॉक ऑफ द डे के लिए बहुत सारे दीप कितने चाहिए <laughs> आपको हाँ सो पिटारा भरा हुआ है पूरा <coughs> आप अपना ही रिकॉर्ड आज मैच करने वाले हैं मुझे लग रहा है सब पहला स्टॉक ऑफ द डे आपका है वेदांता जी ऑपरेशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर आए हैं और कहाँ से आए ये समझ नहीं आया <laughs> इतने खतरनाक इतने जबरदस्त नंबर्स हैं पूछिए मत बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है हर एक लेवल पर हाइस्ट एवरेजली क्वार्टरली रेवेन्यू है सबसे हाईएस्ट yes. अब तक का क्वार्टरली रेवेन्यू इन्होंने तय किया ये तभी जब मेटल स्टॉक्स थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक है दूसरा सेकंड हाईएस्ट क्वार्टरली एबिटाया है सोचो जीप मतलब ग्यारह हजार पाँच सौ करोड़ का एबिटा कर रही है कंपनी पचास हजार का साल एबिटा गजब के नंबर से मार्जिन तीस परसेंट पहुँचे हमारा अनुमान बीस परसेंट का ही था सो so, लेकिन आपको देखिएगा नुकसान लॉस क्योंकि उसमें छः हजार 950 सौ सात हज़ार करोड़ का वन टाइम एक एडजस्टमेंट है टैक्स का उसकी वजह से बट अदरवाइज नंबर्स बहुत बढ़िया अच्छा इसके साथ डेट भी इन्होंने 1400 करोड़ से कम किया वो बढ़िया है सो आई थिंक ऑपरेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है खरीदने की राय है 230 का स्टॉप लॉस है दो सौ सैंतीस दो सौ बयालीस ये दो टारगेट लेकिन वेदांता चूंकि जनरली मैं कई बार वैसे भी रिकमेंड करता मुझे लगता है जीप इसको है ना अब थोड़ा सा पोजिशनली महीने भर कभी लेकर दो सौ पचहत्तर दो सौ अस्सी के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए इसको जल्दी से मत बेचिए दस से पंद्रह परसेंट की अपसाइड के लिए इसे होल्ड तैयार हो रहा है इसके लिए ये अभी ये तैयार होगा अंडर ओल्ड स्टॉक है मेटल में सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म किया और मेटल में सबसे बढ़िया रिजल्ट इसी किया हाँ और अगर जहाँ भी थोड़ी बहुत अगर इनके जो डेट रिफाइनेंसिंग को लेकर कोई अच्छी खबर आ गई तो स्टॉक दो सौ पचहत्तर अस्सी का बहुत आपको पता ही नहीं चलेगा करेक्ट सर नंबर वन नंबर टू अब देखो आज के रिजल्ट आरती इंडस्ट्रीज ये सारे ऐसे रिजल्ट है जिनसे वो है ना कि ये तो बच्चा फेल होगा एग्जैक्टली है ना exactly. और वो थर्ड डिवीजन के बजाय सेकंड डिवीजन पे आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है तो ये सेकंड डिवीजन पास होने जैसे नंबर है ठीक है ऑपरेशनली अच्छे नंबर पहले लेवल दे देता हूँ चार सौ तिरपन रुपये फ्यूचर्स का स्टॉप लॉस होगा आपका चार सौ बहत्तर चार सौ उन्नासी चार सौ चौरासी सेवेंटी टू सेवेंटी नाइन एटी फोर ये तीन टारगेट के लिए क्यों खरीदना है ऑपरेशनली बहुत स्ट्रांग रिजल्ट है लेकिन इस वजह से नहीं खरीदे खरीदने का रीजन दूसरा है दूसरी लाइन में वो इसमें रिजल्ट में रिकवरी के पहला संकेत मुझे दिखा रहा है केमिकल्स की बिल्कुल इसके स्पेशली इसके क्योंकि ये क्या है केमिकल में हाई बीटा है ये घटना होगा तो सबसे पहले घटेगा और बढ़ना होगा तो भी सबसे पहले बढ़ेगा और मार्जिन सोलह परसेंट जो इन्होंने मेंटेन कर लिया बहुत मुझे राहत आज शायद चार बजे इसकी कौन है जहाँ तक मुझे याद हाँ चार बजे तो कौन कौन सुनिएगा मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट होता है अब जो भी हो उसका तो कल पता चलेगा लेकिन आज मुझे लगता है कि पर चलेगा नंबर तीन ओ, हो, हो। जेके लक्ष्मी सीमेंट हमने खरीदारी की राय दी थी कैश वाला जेके सीमेंट उससे बढ़िया गया उससे भी बढ़िया तब मैं बोला था कि सीमेंट के सबसे बेस्ट रिजल्ट है हाँ। इसने और सरप्राइज दिया बढ़िया दिया मतलब बहुत ही शानदार रिजल्ट हर एक लेवल पर इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस स्टॉप लॉस इकतीस सौ टारगेट इकतीस सौ नब्बे बत्तीस सौ पच्चीस बत्तीस सौ चालीस क्यों खरीदना है पहली चीज़ तो ये कि कॉस्ट कम की इन्होंने और उससे स्ट्रांग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आई है इनकी मार्जिन बढ़िया सत्रह परसेंट रहे हैं काम काज मुनाफा भी पचपन परसेंट बढ़कर आया सारे बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ भी बड़ी स्ट्रांग है ये खरीदा जा सकता है अब एक रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग है जहाँ मैं शॉर्ट करने की भी राय डेढ़ सौ पॉइंट ऊपर निफ्टी को गिरा तब और वो है बी ओ बी जैसे ये बेस्ट इन क्लास रिजल्ट है आपके जेकि के वर्स्टिक वर्स्टिक क्लास वर्ष दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ से घुमा के देख लें ऐसा नंबर मज़ा नहीं आया ना मैनेजमेंट के गाइडेंस में उतना मज़ा दिख रहा है तो पहली चीज़ तो है कि ग्रेट रिजल्ट्स नहीं है नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़े से उम्मीद से कम आए हैं चाहे वो ग्लोबल निम्स हो या लोकल निम्स हो डोमेस्टिक हो दोनों थोड़े कम हैं स्लिपेजेस बढ़ी हैं प्रोविजनिंग बढ़ी है वो भी अच्छा नहीं है अगर गलती से फ्लैट या ऊपर खुले तो प्रॉफिट बुक करके इंतज़ार कीजिए स्टॉप लॉस 207 का स्टिक <laughs> रखिए मार्केट का मूड ज़्यादा अच्छा है <laughs> अगर 207 के ऊपर खुल जाए तो आपको शॉर्ट नहीं करना सिंपल लेकिन नहीं जब तक 207 ना टूटे तब तक <laughs> आप स्टॉप लॉस शॉर्ट करने का सोच सकते हैं नीचे के टारगेट दो एक सौ सत्तानवे एक सौ चौरानवे तीन बनकर आते हैं आपके लिए बाकी गाइडेंस में थोड़ा ठीक है उतना बुरा नहीं लेकिन ये रिजल्ट ऐसे नहीं कि जिसके दम पे आप सुबह सुबह इसको खरीदने की सोचें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है आजकल मैं कई बार पोस्ट रिजल्ट का भी एनालिसिस करने की कोशिश करता रहा हूँ और वो है SBI. Uh, sorry, एस बी आई सॉरी टाइटन रिजल्ट एस तो आई वीकेंड है टाइटन शुक्रवार को आ गए थे स्टॉप लॉस टारगेट तैसौ तैंतीस सौ पचपन चौंतीस सौ दस नंबर्स बहुत बढ़िया हैं रिजल्ट के बाद कमेंट्री भी अच्छी दिख रही है टारगेट भी कुछ कुछ ब्रोकरेजेस ने बढ़ाए सीएलएस का बड़ा अपग्रेड है चार सौ रुपये बढ़ाए उनतीस से उनचालीस सौ पचास तैंतीस सौ पचास से सो आई थिंक टाइटन में भी एक से दो की तेजी आज के लिए बन सकती है बन सकती है तो चलिए